नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जेबो। अभी इस वक्त हम खड़े हैं पोर्ट मोड में और हमारे साथ में दो व्यक्ति खड़े हैं, इसमें से ये जो बंदा है वो बड़ी आरोप लग रहा है। अभी हम आपको बता देते हैं वो आरोप क्या है। निशाने में अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। सवाल इसलिए है क्योंकि इनका जो आरोप है, पहले हम आपको बताते हैं इनका क्या कहना, वो पहले सुनिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप बोल रहे थे कि आप भी जो है हिरण घोष पकड़े थे, ये कब का बात है? एक हफ्ता पहले सर। एक हफ्ता पहले जी, करीबन एक हफ्ता पहले पकड़े जी, पकड़े थे। तो वैसे में उसके बाद आप क्या किए? सर, मेरा सीओ को हम कॉल करे हैं। सीओ बोल रहा है कि हमारा जो सेंचुरी से बाहर पकड़िए, हमारा सीओ बोल रहा है। तो हम जब सीओ को फोन करे सर, सीओ डीआरएम वर्कर है जी। तो आप पकड़े जी। आप पकड़ने के बाद में कितना गोश्त होंगे उसमें? एक 300-400 केजी था सर जी। तो हम पकड़ने के बाद आपने क्या किया? हम अपना सीओ को फोन करे थे सर जी। तो बोला जट्टी पे, हमारा लोहा बारीक जट्टी पे परमानेंट दो स्टाफ है, उनको ले लो। जब मैं जा रहा हूँ तो एक गाड़ी पे आ रहा था, तो गाड़ी रोका तो हमको नहीं रोका सर। हम वर्कर पर नहीं जा सके, हम रास्ता पे उसको अटैक करा, तो हमको देख के गोश्त फेंक के गाड़ी भाग गई सर। तो हम बाबू को कॉल फिर करे सर, ऐसा सा बात है। इसको सीओ को कॉल, सीओ को कॉल करे सर। सीओ बोल रहा है एक काम करिए, जितना गोश्त है तो कोई आदमी नहीं मिला करके ऐसा डाल दीजिए। सीओ देखा था किसी को गाड़ी में कौन कौन बैठे थे? वो तो पहचान, रात का समय था सर, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, अंधेरा पे था। हम अटैक करे सर, हमको भी जान का खतरा है सर। अभी वो उनका ये प्लान है कि हमको मारेंगे, दो तो चार है, हमको जान का खतरा का वजह मीडिया के पास गया सर। ये उम्मीद है कि हमको प्रॉब्लम ना हो, मेरा बीवी बच्चा है सर, ये प्रॉब्लम है। तो ये बताइए, उसके बाद में अभी जो पुलिस भी पकड़े थे, अभी 400 केजी के ऊपर जो है पकड़े थे, तो वैसे में उसका इन्फॉर्मेशन थे आपके पास? हाँ, मेरे पास थे सर। मेरा सीओ को फ़ोन करे थे सर, मेरा सीओ बोल दिया कि मेरा ऊपर के ब्लेंड डाला है कि आपको वर्दी चाहिए क्या। मेरा सीओ फ़ोन कर रहा है, हमको पूछ रहे कि आपको वर्दी है क्या, वर्दी चाहिए क्या। तो क्या आप डायरेक्ट ये बोलना चाहते हैं कि ये जो भी चल रहा है इसमें तो डिपार्टमेंट भी शामिल है सर? जब कौन कौन शामिल होगा? अभी उनका पहले मेरा एक दोस्त फोन करके डीसीएफ को ही बोला है सर, डीसीएफ कोई एक्शन नहीं ला, तो इसमें सब तो मिला जुला है सर जी। तब तो आप जब पकड़े थे, आप बोल रहे हैं कि आप पकड़े, तो वो टाइम में आपके साथ में कौन कौन थे? हमारा साथ, हम अकेला था सर वो टाइम में। मेरा गाँव का उप सरपंच वो आ गए, 5 मिनट में आ गए सर जी। तो उस लोग भाग गया सर, हम नहीं देखा गो सेंटर होने तक। मेरा उप सरपंच और पुलिस भी आए थे। पुलिस जब बोला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ लिया तो छोड़ दीजिए, पुलिस निकल गया सर। डिपार्टमेंट जो से गाड़ी आया, टुसनावाद रेंज का था सर, टुसनावाद रेंज में घोस दिया सर, फिर लेके चले गए। चले गए, उसके बाद क्या हुआ? उनके बाद हमको ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको बोले कि आप सीओ बनने मांगता है, आप वंडूर, हमको वंडूर उठा के डाल दिए सर, बीट ऑफिसर बन जाओ, वंडूर डाल दिया सर। हम एक डीआरएम, हमको डेली बस में जाना आना, वंडूर ड्यूटी डालता है सर, वही है सर। वैसे आपका बनने का मतलब ये है कि आप यह कहना चाहता है कि अच्छा काम करने का इनाम ये मिला कि आपका ट्रांसफर कर दिया सर। हम मेरा तनख्वाह एक दिन से 1529 है सर। मेरा बस में जाने यहाँ से है 60-70 रुपीस। अभी हम 2 दिन छुट्टी करा सर, हम डबल ड्यूटी करके मेरा सीओ तनख्वाह काट दिया, तुमको वर्दी देना है करके सर, ये सब बात हुआ। नहीं, ये जो बोल रहा है, आप वार्ड मेंबर है, तो आप क्या लगता है कि ये पकड़े थे क्या पहले? जी पकड़े थे जी, बराबर पकड़े थे। और एक बात हम बोल रहा है कि ये जो बंदा है ये बराबर अपना ड्यूटी सही तरीके से करता है, और बल्कि ये दूसरा नाम से जो लेता है उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा होता है, और ये गांव का आदमी जो भी है, गांव का आदमी उसको ले नहीं लेता है।
तो आपसे डायरेक्ट पूछना चाहेंगे, आप वार्ड मेंबर है, तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो मीट है हिरण का, वो क्या आसानी से मिल जाते हैं यहाँ पे? आसानी से नहीं है, वो वहाँ बंदा ऑलरेडी रहता है। यहाँ पे क्या हिरण का गोश्त मिल जाते हैं? मिल जाते हैं सर, जगह मिलता है, मिलते हैं सर, आराम से मिलते हैं। जरवा में ऑलरेडी आदमी इन्वॉल्व है, जरवा जाके पकड़िए आप लोग, ऑलरेडी वहाँ। जरवा नहीं समझे, जरवा इसका जो सेटिंग है ना सर जी, वहाँ पे आदमी सेटिंग है सर, चार नंबर पुलिस सेटिंग है, जी भी सेटिंग है सर। इंक्वायरी चाहिए तो पूरा टीम लेके कोस्ट गार्ड के साथ निकालेंगे तो पूरा एटीएम निकलेगा आपका। एटीएम यानी कि आप नहीं समझे, पूरा ग्रुप निकल जाएगा, हटबे से लेके आपका पूरा ग्रुप वहाँ पे है। हटबे का यहाँ से क्या लिंक है? लिंक है सर, यहाँ से लिंक है सर, लिंक है, लिंक है, क्योंकि यहाँ से जरवा से जो भी निकलता है, जरवा जो आइलैंड है वहाँ से माल निकलता है, आइलैंड जितना भी आइलैंड है, बल्कि हटबे तो निकलती ही है। कैसे निकलते हैं? बोट से। आपका कहना यह है कि यहाँ से पकड़ के जो है सीधा लेके जाते हैं अडबे, हेडबे जा रहा है, हेडबे जा रहा है, वंडूर जा रहा है, पोर्टमोर जा रहा है, बाकी जितना भी जगह है सब जगह जा रहा है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखते रहते। नहीं सर, उनको फोन कर दीजिएगा तो उनका बात है कि मेरा ऑफिसर बोला मत पकड़ो, ये हम आउट ऑफ रेंज में पकड़ो, आउट ऑफ है, हमारा रेंज है, रेंजर का नाम है सुरेंद्र साहब है, जू का है, वो बोल रहा है ऐसा कुछ मत करो, केस फाइल मत करो, शायद उनको पैसा मिलता होगा सर। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप भी खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में? सर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर 3 दिन हम ड्यूटी कर रहा था, हम जब हिरण घुस पकड़ा मेरा 3 दिन का छुट्टी लिख दिया सर। और आपको यहाँ से ट्रांसफर भी कर दिया सर वंडूर रेंज। चलिए गांव का और एक आदमी मिले हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया जी, ये भैया बोल रहा है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डीआरएम है और ये अच्छा काम करने के बाद में इनको ये इनाम मिला कि इनको जो है ट्रांसफर कर दिया। इनका कहना है कि ये आली में जो है एक हफ्ता पहले हिरण के मीट पकड़े थे, उसके बाद में इनको 3 दिन का छुट्टी भी कर दिया है, उसके बाद में जो है इनको ट्रांसफर भी कर दिए। तो वैसे में क्या हिरण का मीट मिल जाते हैं यहाँ पे आसानी से? नहीं, आसानी से नहीं मिलते हैं सर। जी, हम हिरण का मीट गोश्त मिलता है यहाँ पे? कभी कभार ऐसा मिल जाते थे, ऐसा तो मिलता भी नहीं है जी। हाँ। इनका कहना है कि मिल जाते हैं, या तो मिलता है, अभी बीच में पुलिस वाले भी पकड़े थे। पुलिस वाले पकड़े हो तो मेरे को खबर था कि भाई लोग, तो हम लोग खबर लगा था कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डीआरएम में थे, तो टाइम में ये कुछ खबर लगा तो ये जाके पकड़े थे। उसके बाद पुलिस वाले भी पकड़े? नहीं, पुलिस वाले इसके साथ में ये फोन की बात नहीं, पहले हम पकड़ा उसका पुलिस पकड़ा ना। अब पुलिस तो मेडिकल का जगह, हम लोग सब जगह तो फोन में तो आता है, देखे हम लोग लोअर में पहले पकड़े थे, उसके बाद हम लोग चौधरी पीएससी के उधर में पुलिस वाले पकड़े थे। तो यहाँ क्या घर घर में मिलता है? नहीं नहीं सर, घर घर में ऐसा कुछ नहीं है। लोग हिरण गोश्त को लेके आप क्या सोचते हैं, यहाँ पे आसानी से मिलते हैं? सर आसानी से नहीं मिलते सर, आसानी से ऐसा कुछ नहीं मिलते, मगर चलता है। अच्छा सर, दो तीन बार पकड़े? दो बार तो सुने सर, एक तो लोअर बारिक में था सर, और पीएससी चौधरी का तादाद तो बहुत ज्यादा है भैया जी, 400-500 केजी पकड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कई हिरणों को मार रहा है। ये तो सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गलती है सर, उनको रोकना चाहिए था, वो तो नहीं रोके तो हम लोग क्या करेंगे सर। देखिए, अगर आप देखेंगे अंडमान में बहुत सारे डेवलपमेंट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से रुक जाते हैं, बहुत सारे एनओसी लेने पड़ते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते लेते जो है लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं ब्रिज नहीं बनते, कुछ जगह पे एयरपोर्ट नहीं बनते, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य है जो फॉरेस्ट के क्लियरेंस की वजह से, क्लियरेंस नहीं लेने की वजह से, नहीं मिलने की वजह से जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पाते हैं। तो वैसे में अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये इस तरह लापरवाही होगा और उन्हीं के जंगल से जो है हिरण गोश्त को लेके जाएंगे, अगर हिरण को मारेंगे और उनका काम होता है, और आप अगर देखेंगे आप अंडमान निकोबार के अंदर में आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर अच्छे अच्छे कारों में घूमते हैं, घूमना भी चाहिए, मगर जंगल में घूमने के लिए इनके पास में समय नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो है जंगल के पेड़ भी कट रहे हैं और जानवर को भी आसानी से ये लोग काट के जो है बेचते हैं। अगर इस पर अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के इलीगल काम अंडमान निकोबार में नहीं होगा, एक फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। बने रहे हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।